कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। सब कुछ बदल गया, राजा और निजाम भी, कई सरकारें आई और गई भी, लेकिन नहीं बदला तो आम नागरिकों से पुलिस का रवैया। जन सामान्य से यूपी पुलिस किस तरह से पेश आती है इसका उदाहरण मात्र है रजवन बाजार स्थित करियप्पा रोड का मामला। यहाँ आग लग जाने से कमजोर हुए मकान को ध्वस्त करने छावनी परिषद की टीम पुलिस के साथ पहुंची थी। व्यापारी शैलेंद्र के किशोर बेटे ने यह कहते हुए पुलिस का विरोध किया कि आग लगने पर उसने 40 से बार ज्यादा फोन किया लेकिन पुलिस नहीं आई, अब उनका घर ध्वस्त करने चले आए। इस पर वर्दी के नशे में चूर दरोगा स्वराज सिंह ने भरी भीड़ के बीच चिल्लाते हुए कहा कि चला जाए यहां से, एक मिनट नहीं लगेगा, यहीं ठोक दूंगा। यह फिल्म स्टाइल पर आधारित डायलॉग दरोगा स्वराज सिंह द्वारा कई बार दोहराया गया। इसका जब क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध किया तो पुलिस व परिषद की टीम को बिना ही ध्वस्तीकरण वापस लौटना पड़ा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि नाक नीचे होने के कारण किशोर के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज कर दिया गया। पहले देखिए किस तरह खुलेआम ठोक देने की धमकी दे रहा है सदर थाने का दरोगा स्वराज सिंह। आप 40 बार आज नहीं करे, जब आग लगी थी ना तो 40 बार इन्होंने कहा था कि मैंने 40 बार करे। भैया एक बात बताओ ना, उसका घर चल, उसका घर तोड़ दिया आपने। अरे बाहर चले गए हो, वो बात सही है, घर बाहर चले गए भाई। तो आप तो घर बाहर चले गए, पुलिस के पास जाओ और किसके पास जाओ अपनी शिकायत रखने, अपनी शिकायत पुलिस के पास ही तो रखो। अब ठोक दो भाई गाड़ी में, बच्चा भी इधर ठोक दो भाई, अरे उठा के भी ठोक दो, ऐसे ही ये ठोक दो, उठा के अभी ठोक दो, आएगी एक मिनट लगने की, एक मिनट खबर है, खबर खबर इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि दरोगा को सार्वजनिक रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस पर जांच बैठा दी गई है। कैंट एरिया में लगभग एक माह पूर्व एक भवन में आग लग गई थी जिसके बाद से उक्त भवन रहने योग्य नहीं रह गया था। उसी भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कैंट बोर्ड की टीम के द्वारा संपादित की जा रही थी। इसमें उस भवन के मकान मालिक का NOC भी प्राप्त कर लिया गया था। इसी कार्यवाही के दौरान कुछ व्यक्ति जो पूर्व में वहाँ किराएदार के रूप में रह रहे थे और उन्होंने अपना ताला अभी भी लगा रखा है, अपने साथ 25-30 लोगों को लाकर कैंट बोर्ड की टीम के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए, JCB पर पथराव करने लगे। ये सब होने पर वहाँ पर मौजूद उप निरीक्षक स्वराज सिंह के द्वारा उक्त व्यक्तियों के साथ कहासुनी हुई। इसी कहासुनी के दौरान उनके द्वारा कथित ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसे कि पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करना चाहिए था। इस संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में कैंट बोर्ड के CEO के द्वारा पथराव करने वाली टीम, हंगामा करने वाले और कैंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और पब्लिक प्लेस पे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वाले उप निरीक्षक की भूमिका और संपूर्ण घटनाक्रम की जाँच के लिए क्षेत्राधिकारी कैंट को निर्देशित किया गया है। गंभीर बात यह भी है कि व्यापारी शैलेंद्र का मकान मालिक बिना मेहरा से मकान खाली कराने को लेकर विवाद चला आ रहा है। बिना मेहरा ने आग लगने के कारण इस हिस्से को गिराने की बात छावनी परिषद से की थी। अमूमन छावनी परिषद क्षेत्र में नाक तले हो रहे अवैध निर्माण रोकने में भले ही कोई त्वरित कार्रवाई न करता हो लेकिन इस मामले में वह तुरंत पुलिस को लेकर के पहुंच गया। छावनी परिषद के इस कारगुजारी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।